नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस्वी अनंत और लर्न टू जगल सीरीज इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सब ये सोचते हैं कि जगलिंग एक सर्कस की कला है जो हम सबके आम जिंदगियों में कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप जगलिंग के साइंस को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि जगलिंग हम सबके जिंदगियों में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है और हम सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हम जगलिंग से ले सकते हैं। जगलिंग एक ऐसी कला है जिसमें उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप 8 साल के हो या 80 साल के, आप जगलिंग सीख सकते हो और आपके स्वास्थ्य को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दे सकते हो। जगलिंग सीखने से हमारे ब्रेन में थोड़ा रीवायरिंग होता है। हमारा जो दोनों ब्रेन का पार्ट है, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, दोनों का शक्ति बढ़ता है और दोनों का शक्ति इक्वल होता है। इसी रिवायरिंग के प्रोसेस में हमारा जो ब्रेन से हाथ का कनेक्शन है वो बहुत ही मजबूत होता है और हमारा रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही बढ़ता है। जब हम रिफ्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक फन फैक्ट बताना चाहता हूं। फॉर्मूला 1 कार रेस के कुछ रेसर्स जगलिंग सीखते हैं ताकि उनका रिफ्लेक्सेस अच्छा हो। जगलिंग सीखने से हमारे जो बुढ़ापे में भूलने की बीमारी आ सकती है, जो अल्जाइमर्स कहते हैं, उसका रिस्क भी बहुत ही कम होता है। यहां पे मैं थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे ब्रेन में जो है दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट हुआ होता है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट हुआ होता है। जनरली जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है जो राइट साइड को कनेक्ट हुआ है वो यूजुअली स्ट्रांग रहता है, वो लॉजिकल थिंकिंग ब्रेन है। और हमारा जो राइट ब्रेन है जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट हुआ होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग ब्रेन है और वो यूजुअली वीक रहता है। और जगलिंग जो है वो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन में एक बैलेंस लाता है। जगलिंग एक ऐसी कला है जिसमें फोकस और कंसंट्रेशन की सख्त जरूरत होता है। तो जब आप जगलिंग सीखोगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर बड़ों के काम में जो फोकस नहीं रहता उसमें फोकस करने के लिए बहुत ही जगलिंग काम आ सकता है। जगलिंग एक पोर्टेबल वर्कआउट है। आप कहीं पे भी बिना कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट के वर्कआउट कर सकते हो और जगलिंग से भी आपका जो स्वेट है, जो पसीना है, वो बहुत ही निकलता है। तो जगलिंग एक बहुत ही पोर्टेबल वर्कआउट है। जगलिंग एक तरह के मेडिटेशन है। आप अपने आप को जगलिंग करने से अच्छा महसूस करवा सकते हैं और बिना बोर हुए मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिक्शन छोड़ना हो, किसी हैबिट से डी अडिक्ट होना है, तो जगलिंग आपके काम आ सकता है, क्योंकि आपके जो अट्रैक्शन रहेगा उस एडिक्शन के तरफ, उस अट्रैक्शन को जगलिंग कम कर सकता है। जगलिंग के और भी कई फायदे हैं, जगलिंग के और भी कई बेनिफिट्स हैं और जब आप जगलिंग सीखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको जगलिंग के बारे में कुछ नया पता चला है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको जगलिंग सीखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस चैनल में हिंदी में जगलिंग सिखाने वाला हूँ तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है सबको शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगलिंग सिखा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगलिंग सीख सके। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो और मैं उन सबको आंसर करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर यू शेयर इट विथ एवरी वन। Thank you.